सो गाइस अभी हमारे पास एक फ़ोन आया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे Redmi का फ़ोन है ये, और ये है Redmi का 8A मॉडल और इसके अंदर अभी ये FRP लॉक लगा हुआ है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कोने पे FRP लॉक का सिंबल दिख रहा होगा, तो मैं आपको नीचे से भी एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको ये फ़ोन Redmi का है और इस 8A मॉडल है इसका, तो इसके अंदर जो CPU लगा है वो लगा है Qualcomm का। तो Qualcomm CPU के लिए हम अपने UMT का जो QCFair आता है टूल उसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने स्क्रीन को एडजस्ट कर लेता हूं और यहां पे हमें सबसे पहले फ़ोन को पीछे से ओपन कर लेता हूं, क्योंकि मैंने फ़ोन को पहले से ही नट वगैरह खोल रखा है ताकि जो आपका टाइम है वो कम से कम लगे। तो इसलिए मैं फटाफट से ओपन कर लेता हूं और फ़ोन को पहले सबसे पहले स्विच ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि अनलॉकिंग करना है तो सबसे पहले फ़ोन को स्विच ऑफ करना ज़रूरी है। तो हमारा फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका है और अब हमने पीछे से फ़ोन को खोल भी लिया है और ढक्कन वगैरह सब कुछ निकाल दिया है, यहाँ से नट वगैरह हमने भी खोल दिया है। तो हम अपना UFT को चालू कर लेते हैं, जो कि हमारा QCFair वर्जन है 7.6 वर्जन है। 7.8 में मैंने ट्राई किया था, बट उसमें दिक्कत ये हो गया कि 7.8 वाला वर्जन में अभी कोई बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी वजह से वो हमारा काम नहीं किया, वहाँ पे कुछ एरर आ रहा था, जिसका वीडियो मैंने इसी के पहले वीडियो डाला है, तो आप इस वीडियो के नीचे वाले वीडियो को जाके देखिए, वहाँ पे मैंने पहले से डाल रखा है। उसमें एक एरर आ रही है जो कि बहुत ही बड़ी दिक्कत कर रही है, इसके वजह से मैंने इसको फिर से दोबारा अपना पुराना वाला वर्जन डाल के इसको अनलॉक किया। तो कई बार होता है ऐसा ही कि UMT जब अपडेट देता है तो कुछ कुछ उसमें एरर बग्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसा एरर आने लगता है। तो अभी फिलहाल हमको करना क्या है, इसी पुराने वाले वर्जन से इसको अनलॉक करना है। यहाँ पे ईडियल पॉइंट आप देख रहे होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है, इसी ईडियल पॉइंट को आपको शॉर्ट करके यहाँ पे केबल इंसर्ट कर देना है। जैसे आप केबल इंसर्ट करोगे यहाँ पे आपको Qualcomm का पोर्ट बन जाएगा और पोर्ट बनेगा तो यहाँ पे आपका फिर से फ़ोन चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली फ़ोन का पोर्ट थोड़ा लेट से बना जब तक मैंने केबल निकाल दिया, बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से आप बैटरी कनेक्टर का पिन निकाल दीजिए, बैटरी को रिमूव करके फिर दोबारा लगा के और फिर से ट्राई करिए, कई बार ऐसा दिक्कत आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा फ़ोन तुरंत कनेक्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए आ रहा है इंक हैंड सेंकिंग, मतलब हाथ से, मतलब इसका केबल अच्छे से प्रॉपर कनेक्ट नहीं हुआ, हिल गया है। तो मैंने 2-3 बार ट्राई किया, ऐसे ही दिक्कत कर रहा था, शायद इसका जो पिन था वो थोड़ा दिक्कत वाला है, इसका पिन सही नहीं है। तो मैंने उसको पिन को साफ किया, अंदर थोड़ा डस्ट वगैरह था, आप हल्का बैटरी कनेक्टर को निकाल के पहले और उसका पेट्रोल वगैरह से हल्का कनेक्टर वगैरह साफ कर सकते हैं, ऐसा बार बार प्रॉब्लम हो रहा है तो। और अभी देखिए मैंने लगाया तो देखिए सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया, साफ किया जैसे ही पिन हमने, तो ये बिल्कुल प्रॉपर कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे हमारा प्रोसेसिंग चालू हो चुका है। तो अभी थोड़ा सा मैंने वीडियो को फास्ट किया है कई जगहों पे, ताकि आपका जो समय है वो कम से कम लग सके। तो आप ये मत सोचिएगा इतना जल्दी ये काम हो जा रहा है, आप अगर करोगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे FRP फिर से हमारा फेल्ड आ चुका है। तो फेल्ड आ गया तो हम फिर दोबारा ट्राई करेंगे, यहाँ पे अभी हम इस बार फॉर्मेट FS करेंगे। एक्चुअली देखिए क्या होता है कि हम आपको वीडियो डायरेक्ट भी काट के एडिट करके आपको डायरेक्ट जो जेन्युइन जो हमारा जो काम था उसको दिखा सकते थे कि हाँ यहाँ पे मैंने ऐसे लगाया केवल, और यहाँ से मैं वीडियो काट के भी दिखा सकता था कि यहाँ से हमने लगाया और हमारा फ़ोन फॉर्मेट हो गया। लेकिन क्या है कि आप लोग फिर सोचते हैं कि हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही है, वीडियो में देखता हूँ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, एडिट करने से सब कुछ हट जाता है, प्रॉब्लम सबके साथ होती है। तो आप अगर इसको, ये दिखाने का ये मकसद है मेरा कि प्रॉब्लम सबके साथ होती है, कहीं भी कोई भी एरर आ जाता है, सबका कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि हमारा कंप्यूटर कोई स्पेशल है, जो आप चला रहे हो वही हम भी चला रहे हैं, तो ऐसा कोई स्पेशल नहीं है। हमारे में भी कुछ कुछ एरर आते रहता है, कभी कंपनी के बग की वजह से, कभी हमारे कुछ कंप्यूटर के प्रॉब्लम की वजह से। तो फाइनली इस बार हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुका है। और यहाँ पे देखिए FRP के लिए पूछ रहा है कि आप हटाना चाहते हैं, तो हमें तो FRP ही हटाना था, तो हम यहाँ पे सिंपल सा यस का ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा FRP भी यहाँ पे हट जाएगा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे FRP वाले पे ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे देखिए FRP भी यहाँ से हट चुका है, यहाँ पे डन दे दिया है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, अपने फ़ोन को सिंपल सा केबल निकाल लेना है और केबल निकालने के बाद से अपने फ़ोन को चालू कर लेना है। यहाँ पे हमारा जो फ़ोन है वो ऑटोमेटिक चालू हो चुका है, क्योंकि Qualcomm में ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। अब यहाँ पे वाइप डाटा हो रहा है और थोड़ा एक्चुअली फ़ोन का जो ब्राइटनेस है बिल्कुल कम है, तो आपको देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट आपको इतना नहीं है, थोड़ा सा आप दिखेगा ही। तो अभी FRP वगैरह नहीं मांगेगा, लॉक का सिंबल भी हट जाएगा। अभी बस सिंपल सा स्टेप आपको करना है, यहाँ पे नेक्स्ट स्किप करके फ़ोन को चालू कर लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा समय लगता है, तो हमने वीडियो को कर दिया है फास्ट ताकि आपका जो समय है वो कम से कम लग सके, क्योंकि यहाँ पे जब फ़ोन अनलॉक हो जाता है, FRP वगैरह फॉर्मेट हो जाता है, तो क्या होता है कि उसमें सारा चीज़ सिस्टम अंदर अपने आप ही लोड होते रहता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे लोगों पे रुके रहता है। तो आप ऐसा ना सोचें कि हमारा फ़ोन इतना देर लोगों पे रुक गया, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। जो नए लोग हैं खासतौर पर उनके लिए थोड़ा दिक्कत है, बाकी जो पहले से काम कर रहे हैं उन्हें तो पता है कि हाँ यहाँ पे लोगों पे रुकता ही है, तो ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। बाकी अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है UMT से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करिए, आपको प्रॉपर सोल्यूशन मैं दूंगा और जो भी दिक्कत होगी उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आपका फ़ोन देखिए अभी चालू हो चुका है, बस आपको सिंपल सा सेटिंग करना है, नेक्स्ट स्किप करके लैंग्वेज वगैरह, कंट्री वगैरह सब कुछ सेलेक्ट करते जाइए, टाइम वगैरह सब एस्केप करते जाइए, स्किप आ रहा है स्किप करिए और फ़ोन को नॉर्मल चालू करके कस्टमर को दे दीजिए, अपना वो जो जीमेल आईडी वगैरह है वो बनाते रहेंगे।
तो आपको सिंपल सा चालू करके दे देना है पासवर्ड वगैरह हटा के। तो यहाँ पे अभी हमारा फ़ोन जो है वो पासवर्ड वगैरह हट चुका है और सिंपल सा फ़ोन एकदम हर तरीके से चालू हो चुका है। अब बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सा नेक्स्ट स्क्रीन पर से जाना है। यहाँ पे फ़ोन का ब्राइटनेस कम है तो आपको थोड़ी दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, बट आप इस प्रोसेस को करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप अगर हमारे वीडियो को रेगुलर देखते हैं और अगर हमारे वीडियो को देख के आप कभी अनलॉकिंग किए हो तो आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि हमारा जो वीडियो बनाया हुआ रहता है वो सब कुछ जेन्युइन रहता है। उसमें कोई भी ऐसा नहीं कि आपके साथ कोई और प्रॉब्लम हो रही है, हमने कुछ भी गलत सलत दिखा दिया, तो ऐसा आपके साथ कभी नहीं होने वाला। इस चीज़ का तो आप हमारे ऊपर भरोसा रख सकते हैं। तो फाइनली बस ये फ़ोन अभी ऑन हो चुका है, अब थोड़ी देर का समय और लगेगा और यहाँ पे हमने फ़ोन को ऑन कर दिया है। एक्चुअली हमने वॉइस को अलग से डाला है क्योंकि वीडियो बनाते समय कस्टमर खड़े रहते हैं तो वहाँ पे वॉइस ओवरिंग करना थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए हम बाद में फुर्सत हो जाता है तो थोड़ा सा वॉइस ओवरिंग अलग से कर देते हैं ताकि आपका जो समय है हमारा भी टाइम बचे। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे थोड़ा सा और समय लगेगा इसको खुलने में और ये फ़ोन अभी ऑन हो जाएगा। तो बस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और इसी प्रकार की वीडियो को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप लोग वीडियो तो पूरा देखते ही है और आपको पसंद भी आती होगी लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग, क्योंकि सब्सक्राइब करने में एक्चुअली होता क्या है कि हमारे सब्सक्राइबर जब तक नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारा चैनल ग्रो नहीं होगा। तो आपसे बस यही निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, बस आप सब्सक्राइब करके रखिए, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, थोड़ी सी हमारे लिए हेल्प हो जाएगी और आपका, लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला। भले ही आपको वीडियो नहीं देखनी है कभी बाय चांस, कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन सब्सक्राइब अगर आप करके रखोगे तो उससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, ये आपको भी पता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा आप अगर देख लिए हैं यहाँ तक तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फ़ोन जो है वो कंप्लीट ऑन हो चुका है।